तो सबसे पहले मैं शुरुआत जो है वो आशुतोष जी आपके साथ ही करना चाह रही हूं। मतलब मिल्केपुर पर आप पत्ते खोलते, कहीं उससे पहले खेल ही तो नहीं बिगड़ गया? धन्यवाद अर्पिता जी। नहीं, मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था और एक तरीके से अघोषित तरीके से हमारे कैंडिडेट तो अजीत प्रसाद हैं ही, लेकिन आप भी जान रही हैं कि अयोध्या की हार ने भारतीय जनता पार्टी के जो है वो जमीन के नीचे धरती इनकी हिल गई है। जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए लेके एक बड़ा प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अयोध्या में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पटकनी दे दी। और खासकर मुख्यमंत्री जी, जो मुझे लगता है कि दिन में 4 बार अयोध्या की बात करते थे, उनको वहां से हराया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की राजनीति पे सवाल उठा हुआ है, और शायद यही वजह है कि उनकी फंसी हुई राजनीति में अयोध्या के प्रभारी वो खुद बन गए हैं, क्योंकि उनको खुद विश्वास अपने लोगों पे नहीं रह गया है। और अभी आपने की रिपोर्ट नहीं बताया कि 6 अगस्त से लेके 19 सितंबर के बीच में फला फला तारीखों को वो अयोध्या गए हैं, मतलब देखा 5 बार अयोध्या गए हैं 45 दिन में, मतलब हर 8वें दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या जीतना है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अयोध्या में अगर भारतीय समाजवादी पार्टी चीखती भी है तो उसको बड़े पैमाने पर उठाना है, उसको बात करना है, क्योंकि अयोध्या इस बार हारे तो इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। आप समझ सकती हैं कितनी जरूरी चीज है। तो ये पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुना गया एक षड्यंत्र है, और ये सब लोग जानते हैं। हाँ, बैठे हुए पांचों लोग पैनलिस्ट और आप भी जानती हो, पूरी देश की प्रदेश की जनता जानती है कि अयोध्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्यों जरूरी है। ये अजीत प्रसाद के ऊपर ये केस हो रहा है, धमकी का केस, FIR। मैं तो ऐसी ऐसी FIR दिखा दूं जो भारतीय जनता पार्टी की विधायकों के ऊपर है, वो उनको खुद भी नहीं पता है। और खुद योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव लड़ने गए तो अपने ऊपर इतना लंबा पुलिंदा लेके आए कि ये FIR हत्या का प्रयास और ये धर्म और एक दूसरे में भेदभाव करने का प्रयास, पता नहीं कितने हैं। बात ये नहीं है, बात ये है किसी तरीके से पूरे नैरेटिव को चेंज करना और भारत समाजवादी पार्टी को खलनायक बनाया, किसी तरीके से अयोध्या के में जीत ले जिससे ये कुर्सी बचाई जाए, और ठीक कुछ है, भी नहीं है। ठीक है, मैं मान रही हूं आपकी सारी बातें, लेकिन जरा ये बताइए ना, दांव अभी इन्हीं पर लगाएंगे या अपने पत्ते बदलेंगे? अब आप कह रहे हैं ना खलनायक बनाने की कोशिश है, तो क्या वाकई वो खलनायक बन जाएंगे, पार्टी को डैमेज कर जाएंगे, उन्हीं को उतारेंगे या कैंडिडेट बदल सकते हैं? क्योंकि अभी अघोषित है, आपने जैसा पहले कंफर्म किया। नहीं देखिए, परोक्ष अपरोक्ष रूप से अजीत प्रसाद ही हमारे चुनाव कैंडिडेट रहेंगे, इसमें हमें कोई पड़ी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाती है। आपको नहीं याद है कि जनवरी से लेके मार्च तक किस प्रकार से अयोध्या का नैरेटिव बनाया गया? हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, और क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या तरीके किए गए। लेकिन नहीं, जनता जानती है हकीकत इनकी। इनकी जितनी भी जालसाजी है, इनकी जितनी भी पाखंडीगिरी है, जनता जानती है। उसने जवाब दिया है कि तुमको अयोध्या भी हराएंगे, तुमको मथुरा भी हराएंगे, तुम जहां जहां गलत करोगे वहां से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो हमें इसमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। और अयोध्या प्रसाद जी कई बार के MLA वहां से रहे हैं, मुझे नहीं अयोध्या लगता अयोध्या है कि आपने इतना कर भारतीय। दिया कि अयोध्या प्रसाद ही बना दिया उन्हें, खैर नहीं, आप देखिए। अरे इससे इससे बड़ा ठीक है, इससे इससे बड़ा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, क्या इस पे अजीत जवाब प्रसाद ले जी ने लेती हूँ मैं कुछ शलभ बोला? मित्र पार्टी से। शलभ मित्र पार्टी, वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जीतना है, इसलिए किसी भी तरीके का षड्यंत्र रचने के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए अर्पिता, हर घटना के बाद समाजवादी पार्टी वही दलील देती है कि ये चुनावी हथकंडा है, चुनावी कोशिश है, चुनावी इसको लेकर जो चुनाव में जो परिणाम आए उसके चलते ऐसा किया जा रहा है। मैं तो कुछ नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला नाम है नवाब सिंह यादव का, इनका नाम है नवाब सिंह यादव। इन पे आरोप है एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का, उसके साथ बहुत ही वाहियात हरकत करने का, बहुत ही गंदी हरकत करने का, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तब भी समाजवादी पार्टी ने यही कहा कि नहीं, नवाब सिंह यादव बेगुनाह है, महापुरुष हैं, उनके साथ वो ऐसा कर ही नहीं सकते, उनके साथ तो राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। और बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, DNA टेस्ट लाओ, पहले DNA टेस्ट लाओ तब हम मानेंगे। परिणाम क्या हुआ, नवाब सिंह यादव कहाँ चला गया? दूसरा मोईद खान, इसी अयोध्या में, इनकी पार्टी का बड़ा नेता है,
और इतना बड़ा नेता है कि अवधेश प्रसाद जो कि आज अयोध्या के सांसद हैं, ठीक है, आप वहां को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया, आप सबके नेता हैं, आप सबके सांसद हैं, लेकिन मोहित खान जब गिरफ्तार हुआ और मोहित खान पे आरोप क्या है, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार गैंगरेप करने का, इतना ज्यादा नजदीकी रिश्ता है कि अवधेश प्रसाद उस बच्ची के घर पर उसका हालचाल तक जाने नहीं गए, उसका दर्द जाने तक नहीं गए जो उनके घर से थोड़ी दूर पर रहती है। मोहित खान को भी इन्होंने ऐसे ही महापुरुष बनाया। इरफान सोलंकी इनके समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, आज तक जेल से रिहा नहीं हो पाए, जुडिशरी ने उनको जमानत नहीं दी, और उनपे आरोप क्या है, उनपे आरोप ये कि बांग्लादेशी जितने घुसपैठी आए, जितने खतरनाक रोहिंगी आए, सबको समाजवादी पार्टी का उन्होंने मेंबर बना डाला और उनको वोटर बना डाला, उनको सबके आधार कार्ड बनवा दिए, सबके उन्होंने वोटर कार्ड बनवा दिए। आज तक इरफान सोलंकी जेल के भीतर है। जब कार्रवाई हुई तो यही दलील दी गई कि साहब चुनाव चूंकि समाजवादी पार्टी हारी है और भाजपा जीती है इसलिए इन्होंने किया। और तो और बहुत लंबी फहरिस्त है, इनकी पार्टी के एक बड़े नेता है तूफानी सरोज, उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि विवेक यादव गुंडा है और वो हमारे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है। तूफानी सरोज सोचिए, इनकी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी बेटी बिटिया उनकी एमपी है, वो अपनी पार्टी के गुंडे से परेशान है, विवेक यादव के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कराया। जूही प्रकाश इनकी पार्टी आगरा की बड़ी नेता है, उनके पति अस्पताल में है, कई टाके लगे हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको मेयर का कैंडिडेट आगरा में बनाया था, उनके पति कह रहे हैं कि जूही प्रकाश ने हमारे सर पे बोतलें मारी हैं और मरने के कगार पे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। ये चरित्र है देखिए, और कई बार हम लोग एग्जाम में देखते थे ना, कुछ बच्चे थे जो पूरे एग्जाम में बुरी तरह फेल होते थे और उस ड्राइंग में जो है 90 नंबर ले आते थे, उनसे एक समय भी था 5 सेकंड बाद पूरे एग्जाम में फेल होते थे और ड्राइंग में जुगाड़ से 90 नंबर लाते थे, तो उनसे पूछो कि भाई क्या हुआ तुम तो फेल हो गए, बोले ड्राइंग में 90 नंबर लाए। उनसे कोई पूछता था अरे तुम तो अगली क्लास में नहीं जा पाओगे, फेल हो गए, बोलते नहीं ड्राइंग में 90 नंबर लाए। अरे चुनाव बुरी तरह आपको जनता ने हराया है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री इस देश के हैं, मुख्यमंत्री योगी जी को दूसरी बार उसका ढोल पीटते रहिए, लेकिन गुंडागर्दी करेंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है, देखिए आप बकायदा लिस्ट लेकर आए और आपने ये ना देखे समाजवादी पार्टी में कहां कहां कितने देखिए अपराध हुए हैं, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप टॉप 10 माफियाओं के नाम बताइए ना, और उसमें देखिए कि कौन से दल कौन से नेता किस दल का नेता यहाँ सबसे ऊपर है, वो लिस्ट भी लाए हैं क्या? बिल्कुल अर्पिता, ये तो मुझे क्या, ये तो आपको ही पता है, आप दिल्ली भले बैठती हैं पर आपको नहीं पता है क्या कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन था? मुख्तार अंसारी, खत्म हो गया ना गिरोह, पूरा गिरोह साफ हो गया। इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन था? अतीक अहमद, कहां चला गया, खत्म हो गया ना। मुकीम काला, खत्म हो गया ना। तमाम सारे गुंडे माफिया जो थे वो खत्म, मुकीम काला से लेकर तमाम सारे जो गिरोह थे खत्म हो गए ना। और पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ अर्पिता, पहले क्या होता था कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे और कहते थे, कौन जाता था, कृष्णानंद राय की विधवा जो वाइफ है वो जाती थी अलका राय, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती थी हमें न्याय दीजिए, पति की हत्या हुई है, उनको 40 गोलियां मारी गई, न्याय दीजिए, उनकी शिखा तक काट ली गुंडों ने, हमें न्याय दीजिए। पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में कि गुंडे माफियाओं के रिश्तेदारों के साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गुंडों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, गुंडों का एनकाउंटर हो रहा है, उन पर गोलियां चल रही है, पुलिस पर गोलियां चलाते हैं। तो ये पहली बार हुआ, ये चरित्र है इनका। मैं पूछता हूं, जरा पूछे ना, इसी लखनऊ में बैठते हैं हमारे डॉक्टर साहब भी, आशुतोष वर्मा जी हमारे मित्र हैं, श्रवण साहू इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ में, श्रवण साहू के इकलौते बेटे की हत्या मुख्तार अंसारी गैंग ने जेल के भीतर से कराई थी। पहली बार हुआ है, बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके इकलौते बेटे की हत्या हुई। एक छोटा सा रिएक्शन आशुतोष, बहुत कुछ नया हुआ है क्योंकि अब अपराधी को केवल अपराध के हिसाब से नहीं उसकी जाति के हिसाब से भी तय किया जा रहा है। भाई तुम्हारी जाति क्या? अच्छा, अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि यूपी में स्पेशल ठाकुर फोर्स है, वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, जाति को देखकर अपराध कैसे तय होगा? भाई एक तो सियासत तक तो सीमित था, समझ आता है कि हमारे पार्टी वालों पर साजिश हो रही है, अब आप जाति भी ला रहे हैं उसमें, आप ये कह रहे हैं कि स्पेशल ठाकुर फोर्स है, आप अगर उसमें ये तमाम चीजें जोड़ रहे हैं तो ये क्यों, ये सियासत का कौन सा स्तर? जी अर्पिता जी, क्योंकि बहुत आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने, तो मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिएगा, मैं जरा कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले एक नई आज एक रिपोर्ट बताता हूँ आपको, एक है कर्मवीर शर्मा, ये जींद के हैं, हरियाणा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनको गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश की सहारन पुलिस में जेल भेज दिया गया है, क्योंकि कर्मवीर शर्मा के गैंग ने 7 साल पहले एक महिला से जमीयत उलेमा में और हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के भाई पर रेप और FIR करवा कर जेल भिजवाया था। पुलिस की जाँच में पता चला कि ये गैंग सिर्फ FIR करा के पैसा लेता है और ये FIR कराने के लिए इसका एक गैंग चलाता है। सोचिए इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इनकी मोटे सपरेंडी सुनी है। नहीं, मेरी बुरी बात अभी नहीं, आप ही बोलिए, मेरी बात नहीं, आप ही बोलिए जी जी। ये 2017 के आपके चैनल के एक लोगों ने लिखा है, यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज है कई संगीन मामले,
जितने विवाद योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े हैं उतने ही आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले शामिल हैं। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग एक दर्जन मामले हैं, वहीं के रहते हैं आसपास बताएंगे। अब ये आते हैं मोहित खान के ऊपर, मैं एक एक चीज़ों का जवाब दूंगा और ध्यान रखेंगे। मोहित खान पे आपने सवाल लगाया, आपने काम किया, हमने बार बार कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। आज कल न्यायालय में जब पेशी हुई तो वहां के वकीलों ने कहा कि वो 71 वर्षीय बुजुर्ग है, इनको राजनीतिक मामले में फंसाया गया है, इनकी डीएनए की जांच दी जाए, लेकिन सरकार वो जांच नहीं दे रही है क्योंकि, और साथ साथ वकील को वो दस्तावेज देने में आनाकानी करी जिसकी उनको आज फटकार पड़ी, क्योंकि सरकार में इनको पता चलना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जुगाड़ से जीत गए हैं, 2024 में 37 सीट जीत के हम जुगाड़ से जनता को आप जुगाड़ बता रहे हैं, और आप जीत जाते हो तो आप जनता का आशीर्वाद कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस तरीके के लोग हैं जो लगातार है हमारे भारत, नहीं मैं बस उसका एजेंडा समझिए क्या हाँ। है? इनका एजेंडा ये सर, है और भी मेहमान है, जल्दी जल्दी थोड़ा बस सा हाँ। अगले दस, इनका सीधा एजेंडा ये है और आपके माध्यम से पूरे देश में पहुंचना चाहिए कि किसी तरीके से मुसलमान और यादव के खिलाफ अटैक करो, उसको किसी तरीके से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के नेता बचाएंगे तो उनको मुसलमान और यादव के बीच में घेर के बाकी जो समाज है उसके खिलाफ बढ़ाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी गंदी राजनीति है जिसको आप कोई भी तोड़ नहीं है, और हम बार बार बचाव करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे चाहे पासी हो, हम उस हर व्यक्ति की रक्षा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के जाल में ट्रैप हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन शलभ, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। शलभ, अर्पिता जी, आपने बहुत समय दिया हमारे समाज, आपने बहुत समय दिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथी को। आप जरा सोचिए, आप तो खुद एक महिला हैं और आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, सोचिए हमारे डॉक्टर साहब कितने जहीन आदमी है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सम्मान करता हूं, नवाब सिंह यादव ने जिस बच्ची के साथ बलात्कार किया उसको झूठा बता रहे हैं इंटरनेशनल डॉटर्स डे के दिन। आज इस टीवी चैनल बैठ के, आज तक जो सबसे बड़ा चैनल है वहां ये बता रहे कि नवाब सिंह यादव महापुरुष है, वो जो बिटिया जिसने वीडियो तक बनाया है वो गलत है, उसको उसको कुसूर नहीं बोलने दीजिए। अभी टोकिए मत, प्लीज प्लीज टोकिए मत, नहीं देखिए आप पिताजी आप तो वहां बैठी हैं, निष्पक्ष भूमिका, मैंने तो चुपचाप सुना इनको। देखिए ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का कि नवाब सिंह यादव महापुरुष है, नहीं नवाब सिंह यादव महापुरुष है और उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने वाली बिटिया इंटरनेशनल डॉटर्स डे के दिन समाजवादी पार्टी उसको झूठा कहती है। मोहित खान महापुरुष है, उसके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली जो बच्ची प्रेग्नेंट है, अर्पिता जो बच्ची प्रेग्नेंट है उस बच्ची को यह भी नहीं पता कि उसके साथ जो क्या दरिंदगी हुई है, जब उसको तकलीफ हुई डॉक्टर के आ गई तब डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है, उसको झूठा बता रही है समाजवादी पार्टी। और जो इनका मोहित खान है वो महापुरुष है, क्यों? क्योंकि जो बच्ची है इंटरनेशनल डॉटर्स डे के दिन आज समाजवादी पार्टी उस बच्ची का चरित्र हनन कर रही है। ये है समाजवादी पार्टी, ये इनका चरित्र है, और इसीलिए मैं तो उन बातों को कहना नहीं चाहता, लेकिन लोग कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, मैं नहीं कहना चाहता, बातें पुरानी हो गई, लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता समाजवादी पार्टी की।